सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन, एम अपॉन एन एक्स स्क्वायर प्लस एन अपॉन एम इज इक्वल टू दिस, एलसीएम ले ली, एन एम हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स। एम एन को उधर ले आते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन माइनस का टू एक्स एम एन, इधर ले आओ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एम एन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये एम एक्स प्लस एन का स्क्वायर हो गया, इसे इधर ले आओ माइनस का एम एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस रूट एम एन का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम एक्स प्लस एन ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एम एक्स प्लस एन माइनस रूट एम एन इसे जीरो के इक्वल रख दो, एम एक्स इज इक्वल टू रूट एम एन प्लस का ये माइनस का, एक्स कितना आ गया अंडर रूट एम एन माइनस एन अपॉन एम। अगर हम इसे जीरो रखते हैं एम एक्स प्लस एन प्लस रूट एम एन को एम एक्स इज इक्वल टू माइनस का एन माइनस का रूट एम एन, एक्स कितना आएगा माइनस एन माइनस रूट एम एन अपॉन एम, तो ये दो एक्स की वैल्यू, एक ही आ जाएगी और एक ही।